आप देख रहे हैं मार्केट स्टूडियो। अब सीधे चलते हैं यतिन के पास, पूछ लेते हैं डीलिंग रूम का चेक। बताइए यतिन, कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीली रूम्स के फोकस रेडार में है, उनमें सबसे पहले है हिंडाल्को, जहां डीली रूम्स को लगता है कि 525 से लेकर 530 तक के ट्रेडिंग के टारगेट्स आ सकते हैं। आज अगर आप देखें वायदे बाजार में, तो लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ तेजी की तरफ। ओवरऑल हमने देखा है एल्यूमिनियम की मांग ग्लोबली बढ़ी है और प्रोडक्शन में काफी दिक्कतें आ रही है पावर कट्स के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम के दाम आपको आसमान छूते हुए दिखाई देंगे, जिसका फायदा हिंडाल्को जैसी कंपनियों को हो सकता है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर पे भी डीलिंग रूम्स की नजरें हैं। डीली रूम्स को लगता है कि यहाँ 1100 तक के आपको टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। आज अगर आप देखें वायदे बाजार में, तो 2 लाख शेयर्स अक्टूबर सीरीज में तेजी की तरफ ऐड हुए हैं और कहीं ना कहीं FMCG शेयर्स में फिर से एक बार कंजम्पशन का फ्लेवर आ रहा है, वहां की थीम आ रही है वापस, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके पैसे बन सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो गोदरेज कंज्यूमर का तो ऑलरेडी आशीष ने पहले जिक्र किया भी है, डीलर्स को तो पसंद है ही। आशीष ने भी कहा कि 1100 तक के लक्ष्य इसमें जल्द देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हिंडाल्को पर एक राय ले लेते हैं। हिंडाल्को ही नहीं, सेल में भी अच्छा मोमेंटम था आज के सत्र में, टाटा स्टील अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो मेटल्स में कोई ट्रेड पिक करेंगे क्या, या फॉर इंस्टेंस हिंडाल्को ही कैसा लग रहा है आपको आशीष? जी बाली जी, हिंडाल्को हमारी कल की प्रेफर्ड पिक भी थी कल वाले शो में, और हमें 510 तक के टारगेट्स दिए थे जो कि आज कंफर्टेबली कंप्लीट किए स्टॉक ने। हमें लगता है कि जैसे यतिन जी ने बताया 525 तक के लेवल्स तो आराम से इस स्टॉक में देख सकते हैं। एल्यूमिनियम जो अपने 13 साल के हाई को क्रॉस किया है, हमें लगता है कि यहाँ से बहुत पॉजिटिव है हिंडाल्को के लिए। एंड ओवरऑल आज स्टील सेक्टर में टाटा स्टील स्पेसिफिकली अच्छी बाइंग दिखी है एक कंसोलिडेशन के बाद, तो हमें लगता है कि ये फ्रेश मूव के लिए तैयार है। आज ADX का क्रॉसओवर भी स्टॉक में दिखा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से 1450 तक के लेवल्स टाटा स्टील में देखने मिल सकते हैं। 1340 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1450 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में देख सकते हैं, और हिंडाल्को में 525 तक के टारगेट्स देख सकते हैं, 500 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है। ठीक है ठीक है, तो हिंडाल्को में भी खरीदारी का ट्रेड हो सकता है, टाटा स्टील में भी। तो ये हैं रिकमेंडेशंस आशीष की ओर से। शो को समेटने से पहले क्विकली रीकैप आपके सामने लेकर आ जाते हैं जो सजेशन आशीष की ओर से मिला है। पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स के, निफ्टी में 18300 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है, 18100 का एक स्टॉप लॉस रखिए। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी तेजी का ही ट्रेड आप ले सकते हैं 38700 तक के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 38300 का। जो दो स्टॉक्स आशीष को भी पसंद है वो हैं विप्रो और इन्फोसिस। विप्रो में 700 का टारगेट, 660 का स्टॉप लॉस, इन्फोसिस में 1750 के टारगेट, 1705 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, यहां भी व्यू पॉजिटिव ही है, स्टॉप लॉस लगाइए 200 रुपए का टाटा पावर में, 250 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, डिप मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं। टाटा पावर में होल्ड है तो ये स्टॉप लॉस टारगेट नोट कर लीजिए। टाटा स्टील में भी 1450 के टारगेट, 1340 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ये सजेशन है। टाटा मोटर्स का भी जिक्र किया था आशीष ने, वहां पर वो 550 के टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। HCL टेक नंबर्स की वजह से फोकस में रहेगा, 1335 के टारगेट, 1265 का स्टॉप लॉस, 1265 के आसपास ये बंद हुआ है, तो वही स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। और सिमिलरली हिंडाल्को में भी खरीदारी की सलाह है, 550 के टारगेट के लिए 500 के स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया आशीष, शो में आए आप और कल के लिए तैयारी करने में मदद की आपने हमारे व्यूअर्स की। इसी के साथ मार्केट स्टडी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।